लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान खरगोन शहर के नए पुल पर चेकिंग करते हुए मोटरसाइकिल पल्सर ले जाते संदिग्ध अवस्था में एक युवक को धर दबोचा, जिसने अपना नाम इमरान पिता मुंशी खान निवासी लोहारी का होना बताया है। पुलिस ने उक्त आरोपी को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने 3 और मोटरसाइकिल चोरी करना बताया। पुलिस ने उक्त आरोपी के घर से 3 वाहन जब्त कर पुलिस कोतवाली खरगोन लाया गया। पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 2,70,000 रुपये बताई है। ये इमरान मुंशी खान लोहारी का रहने वाला है, मेन गाँव थाना क्षेत्र का। कल चेकिंग के दौरान एक उसके पास पल्सर मिली जो संदिग्ध अवस्था में थी, उसकी नंबर वगैरह भी सही नहीं थे, जिससे सघन पूछताछ की गई। ब्रानपुर से उसको चुराना बताया है पल्सर को। 3 गाड़ी, 2 स्प्लेंडर और 1 HF, ये 3 गाड़ी भी उनने पूर्व में यहाँ से अपने थाना क्षेत्र अपने खरगोन से विभिन्न क्षेत्रों से चोरी की थी, जिसके निशादेही पर उसके घर से 3 बाइक बरामद की। उससे इमरान से कुल 4 बाइक बरामद की, जिसकी कीमत है 2,70,000 रुपये। आगे भी और 1-2 लोगों के नाम आए, उनको राउंड अप करके पूछताछ करके और भी बरामद होने की संभावना है जो बाइक की चोरी की। आरोपी का PR लिया है क्या? नहीं, PR नहीं लिया, उसे सघन पूछताछ कर ली थी और जिसने इतनी ही बताया। कहाँ से पकड़ा था ये? अपन चेकिंग चल रही थी, ये तबड़ी का